नमस्कार सभी व्यूअर्स का एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल कामना क्रिएटिव्स पर। हम में से बहुतों के घरों में कुछ स्पेशल ओकेजंस पर मीठे चावल बनाने की प्रथा है। सर्दियों के मौसम में तो हम बिना ओकेजंस के भी इन्हें बनाते हैं और एंजॉय करते हैं, तो आज मैं उन्हीं में से एक गुड़ वाले मीठे चावल बनाने की रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ, जो बहुत कम इंग्रीडियंट्स के साथ बहुत जल्दी बन जाते हैं और खाने में तो टेस्टी लगते ही है। तो आइए देखते हैं इस रेसिपी के लिए हमें क्या क्या चाहिए। गुड़ वाले चावल बनाने के लिए मैंने एक कप बासमती राइस ले लिए हैं, जिन्हें मैंने एक घंटे के लिए सोक करके रखा था। एक कप गुड़ जो कि करीब 150 ग्राम है, 3-4 तेज पत्ते, एक दालचीनी का टुकड़ा, 3-4 लौंग, 2 छोटी इलायची, थोड़े काजू, बादाम, गरी और किशमिश जिन्हें मैंने घी में लाइटली रोस्ट करके रखा है। ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं या बिना ड्राई फ्रूट्स के भी ये चावल बना सकते हैं। थोड़ा सा पिस्ता गार्निशिंग के लिए, 3-4 धागे केसर के दूध में घोलकर, और देसी घी जिसमें हम राइस को बनाएंगे। गैस पर रखा बर्तन गर्म हो गया है, अब इसमें घी ऐड करेंगे। करीब 2 टेबलस्पून। अब इसमें तेज पत्ते, इलायची, लौंग और दालचीनी ऐड करेंगे। इलायची कुछ फूल सी गई है, ये देखिए। अब ये राइस हम इसमें ऐड कर देंगे। इसमें 1 कप पानी ऐड करके 50% राइस को हम पका लेंगे। मैंने चावल को ढककर पकने के लिए रख दिया है और अब चाशनी तैयार करेंगे। 1 कप पानी ऐड करेंगे। अब ये गुड़ पानी में ऐड करके मेल्ट होने देंगे। गुड़ मेल्ट हो चुका है, अब इसे हम एक स्ट्रेनर से छान लेंगे, जिससे गुड़ में कोई इंप्योरिटीज हो तो वो अलग हो जाए, और 5-7 मिनट के बाद चावल को खोलकर देखेंगे। करीब 7-8 मिनट हो चुके हैं, अब लिड को खोलकर देखते हैं। राइस सेमी कुक हो चुके हैं, अब इनमें हम ये गुड़ वाला पानी ऐड करेंगे। 4-5 मिनट हो चुके हैं, चलिए लिड को ओपन करके देखते हैं। अब ये 75% कुक हो चुके हैं। इस स्टेज में हम इनमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे और ये केसर वाला दूध भी ऐड कर देंगे। और 2-3 मिनट के लिए इन्हें ढककर कुक करेंगे। कुछ देर हो गई है, चलिए लिड को ओपन करके चेक कर लेते हैं। हमारे राइस बिल्कुल रेडी लग रहे हैं, देखिए कितने खिले खिले लग रहे हैं ये। गुड़ और मसालों की तो बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है इनमें से, तो चलिए अब इन्हें सर्विंग बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो लीजिए, गुड़ वाले चावल खाने के लिए रेडी हैं। तो एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे आप सभी के फीडबैक का इंतजार रहेगा।
आई होप कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोस की अपडेट्स आप तक टाइमली पहुंचते रहें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।